दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम स्थल पर आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जिस जगह पे योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था वहां पर आग लग गया और उसके बाद आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मची, लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक जगह पे पहुंचे जहां पे बाढ़ आया हुआ था, वहां पे बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे और वहीं पे उनका कार्यक्रम भी था। अब जिस जगह पे कार्यक्रम हो रहा था वहीं पे आग लगी और आग लगने के बाद किस तरीके से लोग इधर उधर भागे, अफरा तफरी मची है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम था और कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ उन लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, उन लोगों को कुछ बांटने जा रहे थे जो लोग बाढ़ से पीड़ित थे, जो लोग बाढ़ में डूब गए थे, बाढ़ से जिनका घर डूब गया था उन लोगों से मिलने के लिए, उन लोगों को कुछ बांटने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम था। लेकिन अचानक बताया जा रहा है कि कूलर में आग लगने के वजह से वहां पर यह अफरा तफरी मच गई और उसके बाद लोग इधर उधर भागते हुए भी आपको दिखाई दे रहे। शाहजहांपुर के मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले कार्यक्रम स्थल पर कूलर में आग लगने से मच गई अफरा तफरी। ये यूपी तक है जो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए ये बात जो है वो लिखता है, इस बात की जानकारी देता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब आग लगी तो वहां पे धुआं धुआं हो गया और बताया जा रहा है जिस पंडाल में, जिस जो पंडाल बनाया गया था, जिस पंडाल में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने वाला था वहां पे आप देख भी सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगी हुई है और उसी जगह पे योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन एक कूलर में आग लग जाने की वजह से यह अफरा तफरी वहां पे मची। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के आने से कुछ देर पहले यह अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर के बाद योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचने वाले थे, आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर उनका हेलीपैड के पास उतरने वाला है और उतरने के ठीक कुछ देर के बाद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते, लेकिन उसके कुछ ही देर पहले ये हादसा जो है वो वहां पे हुआ और उसके बाद ये खबर जो है वो सामने आती है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, जो कुछ आपको देखने को मिला है इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।